दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं 1500 रुपये में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, 35 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग और टोटल आपको 6 माइक्स का सेटअप मिल जाए तो कैसा रहेगा? यहां पर आपको ब्रांड क्लेम कर रहा है 6 माइक्स का सेटअप, 3-3 माइक्स आपको दोनों ईयरबड्स में मिलने वाले हैं विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। तो भाई एक बाइक का क्वालिटी टेस्ट तो बनता ही बनता है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर ट्रूक ब्रांड ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है 1500 रुपये में ट्रूक BTG नियो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च करके। इसका लॉन्च प्राइस है 1500 रुपये जो कि 28th and 29th of June को बिल्कुल ये वैलिड है प्राइस पॉइंट। उसके बाद इसकी प्राइसिंग बढ़कर 1700 रुपये के आसपास हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, 35 मिलीसेकंड के आसपास आपको लो लेटेंसी गेमिंग, साथ ही में इसमें आपको टोटल 6 माइक्स मिलने वाले हैं, 3-3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। ये तीनों फीचर्स साफ साफ दूसरे ब्रांड से बिल्कुल अलग करता है इसको। 1500 रुपए में कोई इतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ये आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आउटपुट कैसा है हम एक एक टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि अगर आप सोच रहे हैं 1500 रुपए के आसपास एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज कंसीडर करने का, एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको ट्रूक BTG नियो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे काफी आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी इसके फीचर्स मेंशन है, हम प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग चेक करेंगे इस वीडियो में। आगे क्विकली करेंगे इसको अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे वारंटी कार्ड, इसमें आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलने वाली है, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। और ब्रांड बिल्कुल आफ्टर सेल सर्विस पे बढ़िया तरीके से फोकस डाल रहा है, इसमें आपको टोटल 350 ओवरऑल आप बोल सकते हैं 350 प्लस सर्विस सेंटर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुका है इंडिया में। और साथ ही में आपको यूजर मैनुअल मिलने वाला है, इसमें आपको सारी की सारी डिटेलिंग मिलने वाली, डुअल डिवाइस पेयरिंग, टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग चेक करेंगे वीडियो में आगे। एक छोटी सी लेंथ आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर ईयरबड्स केस, एक्स्ट्रा आपको ईयर ट्यूब्स मिल जाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, पूरा आपको मैट फिनिश का केस मिल जाएगा, फ्रंट आपको ट्रूक की ब्रांडिंग मिलने वाली है। और साइड में आप देख सकते हैं ऐसा आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है RGB लाइट्स का, जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट में आपको ऐसा लुक एंड फील मिल जाएगा, बैक साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं है केस में। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पे काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। थोड़ा सा मोटा केस है दिखने में, लेकिन इसको आप वैसे पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी पार्ट को लेकर ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। और केस को आप ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स बढ़िया तरीके से पैक्ड है, लेफ्ट राइट भी मेंशन है, इसमें आपको बीच में एक रीसेट का बटन मिलने वाला है, काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें आपको प्रॉपर मैग्नेट्स मिल जाएंगे, गिरते नहीं ईयरबड्स केस के अंदर से। और जो लॉक दिया गया, थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग लॉक देना चाहिए, ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। और साथ ही में इसमें आपको इंस्टेंट वीकेंड पे टेक्नोलॉजी मिलने वाली, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, और केस को आप जैसे ही बंद करेंगे डिसकनेक्शन भी हो जाएगा। इसका IWP फीचर सही तरीके से वर्क करता है, और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम पे आप 2 फोन से 2 डिवाइस से कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट में दूसरे ब्रांड्स डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के, ट्रू की ब्रांडिंग आपको दोनों में ही मिल जाएगी, छोटे छोटे साइज के ईयरबड्स दिए गए हैं। इसमें भी आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया, जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। काफी यूनिक डिजाइन के आपको बड्स मिलने वाले हैं, ग्लॉसीनेस मिल जाएगी, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशनड है, इसके लुक एंड फील को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। फिटिंग की बात करेंगे, प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे, बढ़िया आपको कानों में पैक प्रोवाइड कर देंगे। आप बोल सकते हैं 80% तक बाहर की नॉइस कैंसिल हो रही है, अच्छी आपको फिटिंग प्रोवाइड कर देंगे। लाइट वेट ईयरबड्स भी हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप एक्टिविटीज भी करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, मैंने काफी कोशिश की हुई है, कानों से नहीं गिरते हैं, सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा। इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। फीचर्स पर हम एक नजर डालेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट। इसमें आपको टोटल 6 माइक्स मिलेंगे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, 3 आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, मूवी मोड, बेस बूस्टेड मोड और डायनेमिक मोड। अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और मैसिव आप ईयरबड्स को यूज करके अप टू 8 आवर्स का प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फीचर्स आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाले हैं, फीचर्स आपको भर भर के मिलेंगे, उसको लेके कोई इशू नहीं लगा। बात करेंगे टच कंट्रोल्स की, टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे ये नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा।
और अगर आप लेफ्ट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं। और अगर आप राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए, इसमें जो मोड्स दिए गए इक्वलाइजर मोड्स मूवी मोड स्विच कर जाएगा, फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए राइट ईयरबड को बेस बूस्टेड मोड, लॉन्ग प्रेस करेंगे डायनेमिक मोड में स्विच करता रहेगा। लेफ्ट ईयरबड को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं 3 सेकंड्स के लिए गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए लेफ्ट ईयरबड को गेमिंग मोड से एग्जिट कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा गेम मोड करके ऐसा करके। और किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच रिस्पॉन्सिव है उसको लेकर कोई इशू नहीं लगा, वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिया गया, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, 35 मिलीसेकंड बहुत ही कम लेटेंसी क्लेम की है, हम लोग करते हैं एक बीजीएमआई का गेम टेस्ट। गेमिंग इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाली है, आपको ऐसे लेटेंसी फील नहीं होने वाली है, जब भी आप गोलियां चलाएंगे एट ए टाइम बिल्कुल आपको उसी टाइम पे आवाज़ें आने वाली है, स्टीरियो सेपरेशन भी आपको सही मिल जाएगा, इनडी एक्सपीरियंस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसको आप डेफिनेटली जो 35 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है आपको लैग बिल्कुल फील नहीं होने वाला है, इसको डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, 13 mm के इसमें आपको टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स मिलेंगे, SBC AC कोडेक का सपोर्ट, और इसमें आपको 3 इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाला है, मूवी मोड, बेस बूस्टेड मोड और डायनेमिक मोड। मेरे को सबसे सही एक्सपीरियंस बोलेंगे ना तो मेरे को जो बेस बूस्टेड मोड है उसमें मेरे को सही एक्सपीरियंस मिला। इसमें आपको प्रॉपर वोकल्स पे क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छी आपको लाउडनेस मिलने वाली है, ट्रेबल्स भी आपको सही मिल जाएंगे और अच्छे आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। बेस बूस्टेड मोड में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बेस इफेक्ट्स नहीं लगेंगे, आप बोल सकते हैं आपको डिसेंट प्रॉपर आपको बैलेंस बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे आपको प्रॉपर सॉफ्ट सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स आप बोल सकते हैं, एडिकेट आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो डिटेलिंग है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है बेस बूस्टेड मोड में। और वहीं अगर आप जाएंगे डायनेमिक मोड में उसमें बेस काफी तक कम कर देगा, वोकल्स पे सही तरीके से फोकस डालेगा, और जो मूवी मोड है ना उसमें मैं बोलूंगा आप प्रेफर नहीं कर सकते हैं सुनना, मतलब मेरे को ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगा कि वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं डगमगा लग रही थी, मतलब तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी आउटपुट को लेकर मूवी मोड में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बेस बूस्टेड मोड में आप सुनेंगे आपको काफी हद तक बैलेंस अच्छा आप बोल सकते हैं, वोकल्स पे क्लैरिटी बढ़िया, आपको ट्रेबल्स अच्छे, आपको बेस इफेक्ट्स सॉफ्ट सॉफ्ट मिल जाएंगे। बात करेंगे आप कॉलिंग की मेन, जिसमें आपको 6 माइक्स का सेटअप दिया गया है, 6 आपको माइक्स मिलने वाले हैं, 3 3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर, मैंने 2 तरीके से कॉलिंग की हुई है बाइक में बैठे हुए, और आपको राइड के टाइम भी बाइक चलाते भी कॉलिंग आप टेस्ट देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, जा रहे। ओके ओके यार, अभी मेरे पास ना यहाँ पे ट्रूक ब्रांड की तरफ से ट्रूक BTG नियो करके एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं। हाँ। अभी मैं ऑफिस के बाहर हूँ, बाइक पे सिंपली बैठा हुआ हूँ स्टेबल कंडीशन में। हाँ। तो मेरी आवाज तो मैं कैसी आ रही है ईयरबड्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ? अभी तो आवाज काफी क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है, वॉइस में काफी अच्छी क्लैरिटी है। बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, ऑटो जा रही है, उनकी आवाजें नहीं, इतना नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा ड्राइव करूंगा, बताना आप कंपैरेटिवली कैसे आवाज आ रही है। अब मैं आपसे भाई अपने स्टार्ट कर रहा हूँ, बताइए मैंने आप थोड़ा ऐसे चल रहा हूँ मैं गाड़ी से, विंड नॉइज को लेके आप एक्टिविटीज को लेके तो मेरे को दिक्कत लग रही है? नहीं, कॉलिंग अभी भी बहुत अच्छी है, विंड नॉइज हल्की सी आ रही है, लेकिन हमारी जो आवाज है फोकस्ड है अभी भी। ऑन बजा रहा हूँ मैं, किसी आवाज इसकी ऑन की इसकी आवाज आ रही है तुमको? हाँ आ रही है, लेकिन जो तुम्हारी आवाज है वो भी फोकस्ड है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है हॉर्न से। कितना परसेंटेज मेरी आवाज पे फोकस है ड्राइविंग के टाइम पे? ड्राइविंग के टाइम पे 70-80% और स्टेबल कंडीशन में तो 90%। अच्छा अच्छा ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, कॉलिंग इसमें बिल्कुल जस्टिफाइड है, जो 6 माइक्स का सेटअप दिया गया है बिल्कुल जस्टिफाई करता है भाई, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको बिल्कुल बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है। अगर आप मेनली ड्राइविंग के टाइम भी मतलब स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, फास्ट अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप स्लो स्पीड में बातें करते हैं राइडिंग के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसमें वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी कॉलिंग, इंडोर कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आउटडोर कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको बहुत ही बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली, इसको डेफिनेटली कॉलिंग पर्पज़ के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। रेटिंग्स करते हैं अब हम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 9 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9.5 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स 1500 रुपीज जो कि इसका लॉन्च प्राइस है, प्राइसिंग इसके बढ़ के 2 दिन बाद
1700 रुपीज़ के आसपास हो जाएंगे, लेकिन लॉन्च प्राइस के हिसाब से अगर ये 1700 रुपये के मिलते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी को जस्टिफाई करते हैं। आउटपुट आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा, कॉलिंग आपको परफेक्ट मिलने वाली है, गेमिंग से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, बिल्कुल जस्टिफाई करता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ब्रांड ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि इस प्राइस पॉइंट में इस टाइम पर दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, सारी टेस्टिंग दिखा दी, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है। अगर आपको ऐसे आउटपुट के साथ, ऐसे लुक एंड फील के साथ, ऐसे आपको फीचर्स साथ ईयरबड्स पसंद आते हैं, डेफिनेटली इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ट्रू बीटीजी न्यू ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।